मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की केंद्र सरकार के सफलतम 6 वर्ष का कार्यकाल यानी द्वितीय वर्ष का पहला वर्ष का कार्यकाल आज पूरा हो रहा है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, पूरे केंद्रीय कैबिनेट का हृदय से अभिनंदन करता हूं और देश के भारतीय जनता पार्टी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं। 1 वर्ष का यह कार्यकाल, द्वितीय पारी का प्रथम वर्ष का यह कार्यकाल ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा पड़ा रहा है। 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश को एक मंत्र दिया था, सबका साथ और सबके विकास का। उनके सरकार का द्वितीय कार्यकाल का मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का एक प्रतीक बना है। पहले 5 वर्ष का कार्यकाल भारत को दुनिया की एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की आधारशिला के रूप में जाना जाएगा, तो द्वितीय कार्यकाल का यह पहला वर्ष उन ऐतिहासिक उपलब्धियों के लिए जाना जाएगा जिसकी वर्षों से, दशकों से, सदियों से प्रत्येक भारतीय जनमानस में अभिलाषा थी। एक ऐसा भारत जो एक भारत हो और श्रेष्ठ भारत हो, उस एक भारत और श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को आज साकार रूप दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। चाहे वह नारी गरिमा और सम्मान का प्रतीक 3 तलाक की कुप्रथा को सदैव के लिए समाप्त करने का ऐतिहासिक फैसला रहा हो, चाहे वह भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का प्रतीक निर्णय रहा हो जिसने इस देश के अंदर आतंकवाद का नासूर बना कश्मीर की धारा 370, संविधान की धारा 370 को समाप्त करने का ऐतिहासिक निर्णय रहा हो, चाहे वह 500 वर्षों से दबी आ रही भावनाओं को अयोध्या में से राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने का रहा हो, या फिर देश के अंदर उन वंचितों, गरीबों और उन पीड़ितों को जो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यक थे, प्रताड़ित थे, वंचित थे, उन्हें भारत में नागरिकता संशोधन कानून के माध्यम से भारत की नागरिकता प्रदान करने की ऐतिहासिक पहल रही हो, और चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी का किसानों के लिए किए गए ऐतिहासिक निर्णय न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना, युवाओं के लिए प्रधानमंत्री स्टैंडअप की योजना, स्टार्टअप की योजना, स्किल डेवलपमेंट की योजना, मुद्रा की योजना, या फिर देश के अंदर प्रत्येक तबके के लिए की गई वह कार्रवाई जिसने उनके जीवन में एक नया उत्साह भरा है, ये सचमुच उपलब्धियों से भरा पड़ा यह कार्यकाल। इस यशस्वी कार्यकाल के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय कैबिनेट का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, पूरे देशवासियों को मैं इस अवसर पर बधाई भी देता हूं। कोरोना संकट से जब दुनिया जूझ रही है, इस संकट के कालखंड में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो मार्गदर्शन और जो नेतृत्व पूरे देश को दिया है, अपनी दूरदर्शिता, अपनी दृढ़ता,
और समयबद्ध तरीके से चलाए गए कार्यक्रम का परिणाम है कि भारत काफ़ी हद तक कोरोना को कंट्रोल करने और इसके माध्यम से 80 करोड़ से अधिक लोगों तक शासन की सुविधाओं का लाभ सीधे पहुंचाने में पूरी तरह सफल रहा है। ये भारत के यशस्वी नेतृत्व का आज का इस देश को दिया जाने वाला जो योगदान है वह हम देख सकते हैं। मैं आज के इस अवसर पर जब केंद्र की मोदी सरकार के द्वितीय कार्यकाल का प्रथम वर्षगांठ आज है, मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, केंद्रीय कैबिनेट और सभी उन कार्यकर्ताओं को भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं।